सो गाइस, घर का आदमी होने के नाते सारे बड़े काम मेरे को ही करने पड़ते हैं। छोटे तो कुछ करता है नहीं, केवल रोटी बनाता है, वो भी कभी कभार। तो ये जो यार ट्राइपॉड है, जो भी है, इसका ये स्क्रू खराब हो रहा है, इससे ये होल्डर हमेशा निकल जाता है। तो अभी इसको मैं ग्लूगन से चिपकाऊंगा और मोटो अब इसको ग्लूगन से नहला देंगे पूरी तरह से। आप लोग देखना एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। मैं दिखाएगा ही नहीं। कितनी जोरदार मेहनत चल रही है भाई। तो गाइस, जो जो रखे हुए हैं घट स्थापना में वो अभी तक टूटे नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकले। मी एंड मोटू आर ईगरली वेटिंग कि जो कब उगेंगे, है ना मोटू? वी बोथ आर ईगरली वेटिंग राइट कि जो कब उगेंगे। उगी नहीं रहे यार, जो मम्मा एक घरेलू हिंसा हो रही है मेरे पे, देख लो घर वालों, मम्मी पापा। भाई को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, भाई सब बजा के रखता है। प्लीज मेरे को ले लो ब्लॉग में, प्लीज प्लीज, पहले 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 मेरे को ले लो, थोड़ी देर थोड़ी देर। मालिक मालिक, मैं कैमरा ऑन है। कब से ही जो तो यार बहुत ही कमाल हुआ, पहली बार अंकिता ने कैमरा इस तरीके से पकड़ा है, वो भी खुद का वीडियो शूट करते हुए, कि अंकिता सेंटर में आ रही थी और शोल्डर्स तक आ रही थी, बाकी ज़्यादातर होती ना ये शूट करती है तो या तो बंदे का चेहरा नहीं आ रहा, गर्दन कर या वो जो इशारे कर रहा है वो इशारे नहीं आ रहा, या गर्दन हाथ पाँव कुछ ना कुछ तो वो काट के ही छोड़ती है। पहली बार अंकिता ने क्वालिटी वीडियो लिया है। मैं अब गंगा नहाने जा सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फाइनली मुक्त फील कर रहा हूँ। और उस वीडियो में मेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही, तो कह रहे तू तो वैसे ही सुगली दिखती है। कोई शक? कोई शक? तो गाइस मैं बता दूं, कपड़े फाइनली मैंने ही बाहर सुखाए, मोटो ने नहीं सुखाए। मोटो कुछ काम नहीं करता, मेरी कुछ हेल्प नहीं करता। ज्यादा मोटिवेटेड हो गई है छोटू। गाइस हम एक महीने में ये डब्बा पी गए चाय पत्ती का, दोबारा भरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कितनी चाय पीते हैं। मुझे लगता है मोटे के काले होने का यही राज है। दिस किलो पाउच इनसाइड द चाय पत्ती बॉक्स इज वेरी फैसिनेटिंग, आई लाइक इट वेरी 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 मच सिंस चाइल्डहुड। और जो हवा निकलती है, अरे हाय हाय हाय, मजा आ गया। रिबेका मूवी देखी है क्यों? रिबेका रबाका रबाका मूवी देखी क्या? नहीं, रिबेका वाज माय वन ऑफ माय गर्लफ्रेंड, तो उसको देखा, इसकी मूवी नहीं देखी। यू साइंड एज अप एंड कीप हार्मफुल बीवी अवे। और गाइस मैं बता दूं, दो दिन से मैं इसलिए तैयार नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी जो ऑल्टरेशन है वो कुछ ज़्यादा अलग लेवल की चली गई है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ और मेरे से कंट्रोल में नहीं आ रहा मेरा वेट, और मेरे कपड़े मेरे को फिट नहीं आ रहे। तो आज मैंने सारे बिखेर रखे हैं मशीन के पास, सिलाई मशीन के पास, और मैं आज सबको फिट कर दूंगी ताकि मैं कल से अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। मोटू मेरे को डांट रहे हैं, मैं नाराज होने की एक्टिंग। नहीं मैं तो कुछ भाव नहीं खा रही। लाइट चालू है क्या? क्या बोल रहे थे आप? सॉरी टंकी अभी सुन गया, अंदर सुन रहा था। पूरी कहानी है बट मैं मोटू की पसंद की इलायची की चाय बना रही हूँ। मोटू चाय, कैन यू सेल मी व्हाट स्पेशल अबाउट इट? नथिंग। कैन यू स्मेल इट? हाँ पता है, इलायची। ब्रावो। तो मोटू डिनर में क्या खाएंगे आप? थोड़ा जल्दी बोलो, मैं बदल जाऊंगा, बहुत जल्दी मूड चेंज होता है मेरा। बैंगन का भरता पकोड़े। पकोड़े? हां, मेरे पसंद का बनाएगी ना? फोटो की जान के लिए बोल रहा है, ठीक चले। इतने के तो नीचे नहीं हो रहे। जबरदस्ती और असर हो बोलने की बोल इस कैरी फोटो नीचे करो, गाल दो इनको। हो गए? मोटू मेरा हाथ दुख रहे हैं कब से मैं पोज में खड़ा हूँ। कौन सा नीच बच्चा है यार।
भाइयों और उनके बहरों रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग बाहर बैठे हैं और मेरी हाड़ का पानी, मुझे ठंड लग रही है, मेरे को नाक में पानी ऐसे बह रहा है, पैर इतने ठंडे हो रहे हैं बर्फ के जैसे। फिर भी मोटू कह रहे हैं थोड़ी देर में बाहर बैठते हैं, थोड़ी देर में बाहर बैठते हैं, बातें करते हैं। और मोटू की बातें ही सुनने चलो। देखो तो पता है यार, मैं मतलब हमेशा से मतलब फ्लाइंग व्लाइंग का करना चाहता था ना, प्लेन व्लेन खरीदना वो सब। तो पता है मैं जब छोटा था तब क्या करता था, मैंने कहीं पढ़ा था है ना, तेरे को पता है माइथोलॉजी बहुत पढ़ता था, तो वहाँ पढ़ा था कि कई सारे ऋषि मुनि क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे सालों सालों है ना, और उसके बाद वो लेविटेशन करने लग जाते थे, मतलब उड़ने लग जाते थे। हाँ लेविटेशन करते थे, तो मैं वही सोचता था। फिर मैं छोटा था, मतलब ये देख ले 8-9 साल का है ना, तब से माइथोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी उनकी तरह मतलब आती नहीं मेडिटेशन करना, पर आंखें बंद करके बैठ के है ना, मैं कम से कम 1-1.5 घंटा मेडिटेट करना है रोज करता था। मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा। फिर मैं मतलब हुआ 11-12 साल का, होश आया कि भाई फुद्दू ही काट रहे हैं, रहने दो। पहले के जमाने में हो जाता था, अब नहीं होगा। मैं अगर भर दूं बॉटल्स तो ठीक है, वरना बॉटल्स का हाल यही रहता है हमारे घर में। अफ्रेड टू स्लीप, ही इज अफ्रेड टू स्लीप दिस साइड हियर, बिकॉज यहाँ सिद्ध करने से वहाँ दिखता नहीं है और यहाँ से वहाँ दिखता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोटो इज डरपोक। Hi, good morning Mango family, what a lovely day again, welcome to another vlog. It's 22nd of October and day is Thursday and सुबह के बज रहे हैं 9 or 9:30 के अराउंड और हम दोनों अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उठे हैं, फ्रेशन अप होके चाय बन रही है, चाय पी के I'll clean the house and then after taking a bath we will do the रेगुलर पूजा। और आज 6th day हो गया नवरात्रा का एंड वी आर सो हैप्पी, 5 दिन नवरात्रा कर लिया है और एक छठा दिन चल रहा है। टाइम इज फ्लाइंग लाइक छोटी छोटी चिड़िया एंड इसलिए मेरा आप लोग को यही कहना है कि एंजॉय एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, एवरी सिंगल मोमेंट, डोंट बॉदर, डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी हैप्पी एंड स्माइल। तो गाइज मैंने सोच लिया है ये चाय पत्ती का डब्बा है ना, ये कम्प्लीट मैंने कल ही भरा है, ये खाली हो जाएगा ना उसके बाद चाय छूट जाएगी, हम दोनों की चाय बनाना बंद बस। इधर देखो छोटू रोए जा रहा है बिग बॉस देख देख के, बिग बॉस में एक टीम बाहर हो गई है और सारे लोग रो रहे हैं और अंकिता देख देख के रो रही है। रोंदू औलाद, ऐसे कौन करता है, बिग बॉस देख देख के रो रहा है, सावधान इंडिया थोड़ा ना चल रहा है। गाइस बी स्ट्रांग गाइस, रोना नहीं है, रोना नहीं है, हर हफ्ते होगा, हर हफ्ते कोई ना कोई बाहर निकलेगा, हर हफ्ते ये आपको सहना पड़ेगा, तो बी स्ट्रांग एक दूसरे के लिए, बी स्ट्रांग प्लीज। दूसरा कौन है, बिग बॉस ही करते हैं, यू आर देयर सपोर्ट। यार पवित्रा पूनिया जाट थी यार, चले गई यार, उसका जाट नहीं रोई थी, हिम्मत है वो लड़ने की, बिल्कुल नहीं रोई हां, वो पत्थर मारेगी फाड़ देगा। नहीं उसको सीक्रेट रूम में रखेंगे गाइस, आपको क्या लगता है कौन कौन बिग बॉस देखता है और मेरे अलावा? पराया धन है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। यार रोते क्यों है यार, तू रोते क्यों है? बिग बॉस से बात करूं क्या, फोन लगाऊं, फोन लगाऊं? तू बोल के देख एक बार, लगाओ ना फोन, मेरे को भी जाना है बिग बॉस में। हैं एंगेज आ रहा है। कई लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी अभी बात करूंगा मैं, तो रुक बुलाता हूं मैं वापस सबको। लगता है हमारा चिल्लर बिक जाएगा आज, प्राइस मोटो प्लीज गिविंग इट। क्या वाली है क्या है? वाओ मतलब चिल्लर बिक गया गाइस, ये आदमी मोटा तो हो जाता है पर फिर मोटापा इस तरह से दुख देता है। देखो जैसे छोटू को दे रहा है, मैं छोटू को बोल रहा हूँ छोटू नीचे चला जा, चाबी ले आ घर की, पर लेके आ नहीं रहा है। यार मैं क्यों लाऊं मतलब चाबी,
मोटे ने चाबी लॉक लगाया, मोटे ने चाबी रखी गाड़ी में, हम सामान लेके ऊपर आ गए, अब मोटू चाबी भूल गया नीचे गाड़ी में, मोटू जाएगा। तेरे को गुस्सा नहीं कर रहे? मुझे सारा लेके खड़े होने में मजा आ रहा है। हे गाइस, तो अभी मोटू पे बाल मजदूरी होने वाली है, मैं मोटू से बालों में तेल लगाऊंगी, तो मोटू बाल श्रम के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए तो पैदा हुआ हूँ। हाँ, और उतार लिया है मैंने धरती पे। नाखून देखना इस आदमी के कितने बड़े बड़े हो रहे, चुड़ैलों जैसे। कल है ना लैपटॉप पे काम कर रहे थे रात को, मैंने दिखा दी कटे में। कब काटे? You can't fake it. नहीं, लैपटॉप पे काम कर रहे थे तो पूरे उसकी हॉल की लाइट बंद थी और लैपटॉप की लाइट ऐसे आ रही थी हाथ पे, तो लंबी लंबी उंगलियां हैं ही मोटे की, तो ऐसा लग रहा था चुड़ैल के हाथ है। तो मोटू के आज रख, मोटू को पटक के उल्टा और मोटू के नाखून काटे जाएंगे। बाल में तेल लगाओ जल्दी दासी, माय पर्सनल बाल मजदूर। अच्छे से बाल श्रमिक मोटू। अच्छा तमाशा कर लेते हो, छोटे बच्चे बहुत ताली बजाते होंगे। आप भी लगवाओगे क्या? हाँ ठीक है, तो क्या करोगे लगवा के यार? बस तो ही एक है क्या? मैं एक ही हूँ तो अपनी तरह की, दूसरी धरती सहन भी नहीं कर पाती। इतनी डेंजरस हूँ मैं, इतनी ओवर एक्टिंग। मैंने जानबूझ के मारा था। हाँ भाई दासी, क्या चल रहा है? बोले दासी डंगू करी है, आखिर चमड़े दिख रही है। औरतों की दाढ़ी भी तो आदमियों से ज्यादा आती है, पूंछे भी, इसलिए उनके ऐसा करना पड़ता है। हमारे जेंट्स पार्लर में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जेंट्स पार्लर में क्या होता है? क्योंकि आदमियों का सर है ना, औरतों की बातें सुन सुन के उनको सहन कर करके उनका सर मजबूत हो जाता है। तो वो ऐसे कर सकता है। सो गाइस, अभी अभी आपने देखा होगा एक रिटेक हुआ है, वो इसलिए कि मेरी औरत मुझसे नाराज हो गई। अब पता नहीं औरतों को हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए होता है। अभी मैं इसको बता रहा था कि अपन ऐसे करेंगे तो सीन शायद थोड़ा बढ़िया आ जाएगा, लेकिन औरत को समझ ही नहीं आ रहा। इसने बोला नहीं, आई नीड अ एक्सप्लेनेशन। अरे मैं क्या दूसरी बीवी ला रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन चाहिए इस बात का, क्यों ला रहा हूँ? बट शी नीड एक्सप्लेनेशन। सो मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने वो सीन शूट किया। वो पता नहीं कैसा आया होगा, अगर अच्छा आया होगा तो ले लेंगे, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। मोटू के बाकी बाल तो स्ट्रेट है, बट ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल गए हुए बाल। ये भंवर है, ये वाले जान। देख, एक यहाँ है भंवर है ना। हाँ। एक यहाँ है भंवर। अच्छा। और यहाँ के ऊपर एक और भंवर। भंवर मैडम जिंदाबाद। तीन भंवर तो पीछे और दो आगे। ये देखो, ये बाल ऐसे लग रहा है जैसे जल गए हैं, ये वाले भंवर के कारण। हाँ तो गाइस, जैसे कहते हैं कि ये गोल गोल चक्री होते हैं ना, इनको भंवर कहते हैं। और जितने भंवर होते हैं ना, पहले के मान्यता ही मेरे नानी ने बताया था मेरे को कि भंवर का मतलब होता है उतना ही नेक्स्ट जो होने वाला बच्चा है माँ के, वो लड़का होगा। तो इनके मेरे पांच भंवर हैं। पांच है, तीन है, तीन पीछे दो आगे। मम्मी आपको फाइव लेट्स होने वाले थे, पांच लड़के इनके बाद, आप रुक क्यों गए? बंटवारा हो जाता। बंटवारा अच्छा कैसा हो जाता? अच्छा हुआ मेरे कोई भाई नहीं है। मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि लड़कियाँ घर में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और लड़के कम से कम। काश मेरे दो चार बहनें और होती। मेरी बीवी की आज्ञा है कि मैं साबुदाने आधे भी हूँ, तो मैं एक सच्चे इंजीनियर की तरह इसको आधा आधा करके तोलूंगा। आज मैं अपनी बीवी को लड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने एग्जैक्ट आधे साबुदाने तोले हैं। कितना टाइम लगेगा? दो मिनट। क्या बात है, मैंने काजल भी नहीं लगाया, मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, कुछ लगा नहीं किया। लेट करना कोई अंकिता से सीखे, 12 बजने वाले और अभी तक इसका मेकअप चल रहा है, हमको पूजा भी करनी है अभी, और अभी तक रेडी नहीं है। दो मिनट यार, भूख लग रही मेरे को यार। जय माता दी, जय मैं भगवान, जय माता दी।